तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, एक वर्ड है एब्जॉर्प्शन और एक दूसरा वर्ड जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है एडजॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बल्क फिनोमेना। ये क्या होता है? इट इज ए बल्क फिनोमेना। और जो एडजॉर्प्शन होता है ये होता है सरफेस फिनोमेना। अब ये बल्क फिनोमिना क्या है, सरफेस फिनोमिना क्या है, इसको हम देखो अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे किसी भी स्पंज को, या हमारे पास में कोई एक स्पंज है, या फिर हमारे पास में कोई ऐसा सब्सटेंस है, जैसे हम क्लोथ की बात करते हैं, क्लोथ को अगर हम पानी में डालते हैं या स्पंज को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है, वाटर उसके बल्क के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो स्पंज का जो टुकड़ा होगा इसके अंदर की साइड में भी पानी होगा, इसके अंदर भी पानी होगा पूरा, ये पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा पूरे अच्छे से, और साथ में इसकी सरफेस के ऊपर भी पानी लगा हुआ रहेगा। तो ये जो फिनोमिनन है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के अंदर तक चले जाते हैं, पूरे अंदर तक चले जाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो वर्ड है एडजॉर्प्शन, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। सरफेस के ऊपर का मतलब है जैसे अगर हम चॉक को पानी में डाल के रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भर दिया और इस कंटेनर में हमने क्या रख दी, दो चार चॉक रख दी, तो चॉक रख के हम उसको 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर अगर उसको वापस बाहर निकाल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पानी है या जो या इंक इंक में अगर हम इंक लेते हैं तो इंक के अंदर अगर हम चॉक डाल के देखते हैं तो अच्छे से हमें ऑब्जर्व हो जाएगा एडजॉर्प्शन का फिनोमेनन। जैसे एक कोई कंटेनर ले लो आप, कंटेनर इसके अंदर इंक डाल लो, लिक्विड इंक, इसके अंदर चॉक के कुछ पीस डाल दो, तो चॉक के कुछ पीस डालने के बाद में हम क्या देखेंगे कि ये जो इंक है वो सिर्फ चॉक के आउटर सरफेस के ऊपर लगी है, सिर्फ चॉक के आउटर सरफेस के ऊपर ही इंक लगी है। जैसे अगर हम इस चॉक को ब्रेक करके देखते हैं तो चॉक का जो इनर पार्ट है वो अभी भी हमें क्या दिखता है, वाइट ही दिखता है। इसका मतलब जो इंक है या फिर जो पहले हमने एक्सपेरिमेंट में हमने लिया था वाटर है, वो वाटर सिर्फ अपर सरफेस के ऊपर क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ, सिर्फ अपर सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ या स्टिक हुआ है, अंदर तक नहीं पहुंचा है वो। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन हमने ऑब्जर्व किया है, एडजॉर्प्शन है फिनोमिनन ऑब्जर्व किया। मतलब अगर किसी भी सरफेस पे, किसी चाहे सरफेस वो सॉलिड की हो चाहे वो सरफेस लिक्विड की हो, अगर सॉलिड की सरफेस पे या लिक्विड की सरफेस के ऊपर सिर्फ कोई दूसरा सब्सटेंस आके स्टिक हो जाए, सिर्फ सरफेस के ऊपर आके स्टिक हो जाए, अंदर तक एंटर नहीं करे, तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और दूसरा जो पॉइंट है जो हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, जो वर्ड है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बल्क के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाना। मतलब अगर किसी भी स्पंज को अगर हम पानी में रखते हैं ना तो पानी उस स्पंज के अंदर तक चला जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक द पॉइंट इज सम वॉट क्लियर, कुछ समझ में आया होगा आपको। तो इसको हम कुछ और एग्जाम्पल से देख लेते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एडजॉर्प्शन को और एब्जॉर्प्शन में आपको डिफ्रेंशिएट करवा देंगे। यस, तो ये देखो बच्चों, ये जो फिनोमिनन है आपको दिख रहा होगा, स्पंज, इसको स्पंज को प्रेस किया तो स्पंज के अंदर से पानी बाहर निकल रहा है, ये जो फिनोमिनन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन। ये किसका एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा हम देख लेते हैं बच्चों, ये देखो एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ये देखो केक खा रहा है या कुछ भी खा रहा होगा ये पर्सन, तो केक इसके मुंह पर चिपका है, इसके मुंह पर चिपका है, इसके अंदर तक नहीं गया, इसकी बॉडी के अंदर नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ है, सिर्फ सरफेस के ऊपर लगा है, इसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर ही केक चिपका हुआ है, पूरा जो केक लगा है ना इसकी सरफेस, इसकी बॉडी के सरफेस पे लगा है, इसका मतलब ये सरफेस का अगर कोई सब्सटेंस ठीक होता है ये लगता है तो वो फिनोमेनन क्या कहलाएगा, क्या कहलाया जाएगा, एडजॉर्प्शन कहलाया जाएगा। अब देखो यही पर्सन उसी केक को खा रहा है, तो खा रहा है इसका मतलब इसके अंदर तक पहुंच रहा है, ये जो केक है ना इसके बल्क में अंदर तक पहुंच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, ये इसको आप एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन से मत समझना, इससे कोई हमें लेना देना नहीं, ये सब हम
समझाने के पर्पज से एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप लोगों को समझ में आएगा कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो सिर्फ सरफेस सरफेस के ऊपर ही होता है, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, सरफेस पे ही एप्लीकेबल होता है ये। और ये जो फिनोमेनन है बल्क में होता है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो देखो ये एब्जॉर्प्शन का एक फिनोमेनन है, जैसे ये सॉलिड सरफेस है, ये चाहे सॉलिड हो लिक्विड भी हो सकती है, जैसे ये हमने लिया है सॉलिड सरफेस, और सॉलिड सरफेस के ऊपर ये देखो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो येलो कलर की बॉल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सपोज ये क्या है मॉलिक्यूल्स, सपोज ये मॉलिक्यूल किसके हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल है। तो सॉलिड की सरफेस पे गैसेस के मॉलिक्यूल का स्टिक हो जाना कौन सा प्रोसेस होगा, एडजॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस है ये, एडजॉर्प्शन है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये दूसरा फिनोमेनन बताया, ये सेम एडजॉर्प्शन ही है। देखो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर स्टिक है, सरफेस के ऊपर लगे हैं, इस सरफेस के अंदर तक एंटर नहीं किए। ये सब मॉलिक्यूल्स है ना, चाहे गैस के मॉलिक्यूल हो या कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, ये सिर्फ इस सरफेस के ऊपर लगे हैं, इस सरफेस, इस मेटल की सरफेस के अंदर, या सपोज ये मेटल है या कोई सॉलिड है, इसके अंदर तक एंटर, इसकी एंट्री नहीं हुई, सिर्फ सरफेस के ऊपर लगे हैं। तो सरफेस पे लगता है इसका मतलब किसका एग्जांपल है, वो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल। तो आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को कुछ क्लियर हो चुका होगा एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो यही डेफिनेशन हमने एडजॉर्प्शन की अभी सीखी है, तो ये एक एग्जाम्पल से और आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये देखेंगे एक सॉलिड है और सॉलिड के ऊपर ये गैस का क्या हुआ, एक्युमुलेशन हुआ, एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड हो सकती है या फिर ये कोई लिक्विड है, एक एग्जांपल के तौर पे बताया ये सॉलिड है या फिर लिक्विड है, और इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल स्टिक होते हैं या एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, गैदर करते हैं, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल होगा। आई थिंक द पॉइंट इज सम वाट क्लियर, कुछ समझ में आ चुका होगा आपको। अब जो एडजॉर्प्शन है ना, इसमें दो दो टर्म हमें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है एडजॉर्बेंट और दूसरा हमें पढ़ना है एडजॉर्बेट। एडजॉर्प्शन में दो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म इज एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट और दूसरी है एडजॉर्बेट। अब एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये बी है, ये बी लिखा हुआ है, ठीक है ये बी लिखा हुआ है एडजॉर्बेंट, और दूसरा टर्म है हमारे पास में एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। तो एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेट क्या होता है, जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा है, सॉल्यूशन में जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा है कि सॉल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसका सॉल्यूट पार्ट और दूसरा होता है सॉल्वेंट पार्ट। वी हैव टू डिस्कस टू टर्म इन एडजॉर्प्शन, फर्स्ट इज एब्जॉर्बेंट एंड सेकंड टर्म इज एडजॉर्बेट। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किस टाइप की ये टर्म है। तो देखो जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड टाइप ऑफ कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट्स आर दो सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व इन द अनदर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट आर दो सब्सटेंस इन विच द Another substance is dissolve, जिसके अंदर किसी चीज को हम डिजोल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। सिमिलरली इन एडजॉर्प्शन, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर किसी दूसरे पार्टिकल को स्टिक करवाते हैं, लगाते हैं, जिसके ऊपर किसी दूसरे पार्टिकल आकर क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेट क्या होता है, दो सब्सटेंस विच एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सो एडजॉर्बेट आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जो सरफेस एब्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल आके
गैदर्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, चिपकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजोर्बेंट, एब्जोर्बेंट कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था चौक और इंक का, हमने बताया था कि इंक को अगर, इंक में अगर हम चौक को रख दें, चौक को अगर हम इंक के अंदर रख देते हैं तो चौक की सरफेस के ऊपर इंक क्या होगी? लग जाएगी। तो जो सरफेस, जो इंक की जो सरफेस, जो सॉरी जो जो चौक की जो सरफेस है ना, वो सरफेस किसकी तरह काम करेगी? वो एडजोर्बेंट की तरह काम करेगी। यहाँ पे किसकी तरह काम करेगी? एडजोर्बेंट की तरह काम करेगी। और जो इंक है वो किसकी तरह काम करेगी? एडजोर्बेंट की तरह। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि दो कंपोनेंट होते हैं इसके एब्जॉर्प्शन में, एडजोर्बेंट होते हैं और एब्जोर्बेंट होते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। वैसे हमने बता दिया पूरा, ऐसा कुछ स्पेस विशेष है नहीं। एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेंट, द सॉलिड सरफेस ऑन द सरफेस ऑन विच द एडजोर्बेंट अकर्स इज नोन एज एडजोर्बेंट। द सरफेस दैट गैदर्ड दैट एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू द इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन। तो ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कोई दूसरे सब्सटेंस आकर क्या होते हैं? स्टिक होते हैं, चिपकते हैं, रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एडजोर्बेंट कहेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है, वैसे ही एडजॉर्प्शन के अंदर एडजोर्बेंट होता है। उसी टाइप से एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जोर्बेंट होता है। जिस टाइप से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है, उसी टाइप से एडजॉर्प्शन में एडजोर्बेंट होता है। जिस टाइप से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है, उसी टाइप से एडजॉर्प्शन में एडजोर्बेंट होता है। जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसकी कंसेंट्रेशन कम होगी, जिसकी क्वांटिटी कम है, कंसेंट्रेशन कम है, वो सारे क्या कहलाएंगे? एडजोर्बेंट कहलाएंगे। जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बल्क में है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उसको एडजोर्बेंट कहते हैं। ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे, लेकिन हमने कभी अब्जॉर्ब नहीं, कभी हमने ये इसको फील नहीं किया, कभी हमने देखा नहीं होगा एडजॉर्प्शन के बारे में, कभी सोचा नहीं होगा किस टाइप से ये एडजॉर्प्शन होता है। तो देखो कौन कौन से एग्जांपल है। फर्स्ट है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। तो चारकोल का मतलब है कोयला। कोयला की सरफेस के ऊपर गैसेस का क्या हो जाना? एडजॉर्प्शन हो जाना। तो जो गैसेस है, जैसे अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फोस्जीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन फ्लोरीन, ये सब सारी गैसेस है ना, वो चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो सकती है। तो चारकोल के ऊपर क्या हो सकती है? एडजॉर्ब हो सकती है चारकोल के ऊपर। तो चारकोल की सरफेस क्या करती है? एडजॉर्बेंट का काम करती है। और क्या करती है? अगर कोई वेसल है, जैसे कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर, जैसे एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, ये एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल एक कंटेनर है, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी है, कोई गैस भरी है, गैस का नाम मैं बता देता हूँ, सपोज अमोनिया गैस है इसमें। कौन सी गैस है? सपोज इसमें अमोनिया गैस है, ये क्लोज कंटेनर है और इसमें अमोनिया गैस भरी। अब क्या होगा अगर इस क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम क्या डाल दें, थोड़ा सा कुछ डाल दें, कुछ अमाउंट में क्या डाल दें? हम चारकोल डाल दें, या मैं इसका जो ढक्कन है ना निकाल के इसमें क्या डाल दें, हम थोड़ा सा चारकोल डाल दें और वापस इसको बंद कर दें कंटेनर को चारकोल डाल के, तो हम क्या देखेंगे? तो गैस है ना, ये गैस जो अमोनिया गैस इसके अंदर भरी थी, उसका जो प्रेशर है क्या हो जाता है इसमें? डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर किसी कंटेनर में जिसमें कोई गैस भरी है, उसमें हम अगर चारकोल डाल देते हैं, हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में गैस का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है? जो चारकोल है वो क्या करता है, जो गैस होती है, गैस के पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर क्या करवा लेता है? एडजॉर्ब कर लेता है। और एडजॉर्ब हो जाने की वजह से गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस कंटेनर में क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, इनकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, इनका अमाउंट कम हो जाता है। इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से आप लोगों ने देखा होगा जो खाली बोतल होती है, पानी की बोतल, या जो भी हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो भी कंटेनर लेके आते हैं अच्छी क्वालिटी के, उसमें एक छोटा सा पैकेट होता है, सिलिका जेल का एक पैकेट होता है, उसके अंदर आता है। जो खाली बोतल होती है ना, उसमें सिलिका जेल का पैकेट आता है।
आप लोगों ने ये देखा होगा, जब भी हम कोई नई बोतल लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है, किसी भी ब्रांड की लेके आओ आप, अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेके आते हो, तो उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट आपको देखने को मिलेगा, उसमें छोटी छोटी सी बीड्स होती है, छोटी छोटी सी इसमें बीड्स होती है, छोटी छोटी सी। ये बीड्स किसकी होती है? सिलिका जेल की होती है। किसकी होती है? सिलिका जेल की। तो ये सिलिका जेल की जो बीड्स है, ये क्या करती है, बोतल के अंदर अगर कोई भी वाटर वेपर्स है, कोई भी वाटर वेपर्स है, या इसके अंदर कोई भी गैसेस है, जिसकी वजह से उस बोतल के अंदर कोई फाउल स्मेल आ सकती है या बोतल खराब हो सकती है, तो ऐसी गैसेस को क्या करती है, सिलिका जेल अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करने से जो गैसेस हैं वो उस बोतल के अंदर क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। सारी गैसेस किसके ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जाती है, सिलिका जेल पे। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखे होंगे। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन ऑफ ए डाई बाई चारकोल। तो चारकोल की हेल्प से हम डाई को भी क्या कर सकते हैं, एडजॉर्ब करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा चारकोल यूज लेना पड़ेगा, एनिमल चारकोल लेना पड़ेगा। चारकोल का मतलब होता है कोयला, ये एनिमल चारकोल का मतलब है, जो नेचुरल कोयला हमें मिलता है जमीनों से खोद के, जो हम कोयला निकालते हैं वो है एनिमल चारकोल। अगर इसको हम सेक करते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, ऑर्गेनिक डाई में मेथिलीन ब्लू हो सकता है। ऑर्गेनिक डाई का मतलब होता है ऐसे दोस टाइप ऑफ डाइस विच आर यूज्ड टू स्टेन एनिमल टिश्यू। दोस टाइप ऑफ स्टेन और दोस टाइप ऑफ डाइस विच आर यूज्ड टू स्टेन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को कलर करने के लिए जो डाई या कलर काम आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनिमल ऑर्गेनिक डाई। क्या कहते हैं उसको हम? ऑर्गेनिक डाई। अगर हम ऑर्गेनिक डाई किसी सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक डाई है, जैसे हमने कोई भी ये सॉल्यूशन लिया, जैसे सॉल्यूशन हमने ले लिया मेथिलीन ब्लू का, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अगर इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हम छोटा सा पीस एनिमल चारकोल का डाल देते हैं, तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो मेथिलीन ब्लू है वो किस कलर का, इसका जो कलर है ब्लू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस मेथिलीन ब्लू कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। रीजन क्या है मेथिलीन ब्लू का कलरलेस होने का, ये जो हमने यूज किया है एनिमल चारकोल, इसकी सरफेस पे ये जो मेथिलीन ब्लू है, इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजॉर्प्शन हो जाएगा इनका। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है जो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है। हाँ, इसी टाइप से आपने देखा होगा शुगर फैक्ट्री के अंदर, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, शुगर फैक्ट्री में जो रो शुगर होती है, रो शुगर का मतलब जो ब्राउन कलर की शुगर होती है, जो शुगर बनाते हैं ना, तो वो जो रो शुगर होती है ना, वो ब्राउन कलर की होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, व्हाइट कलर की शुगर नहीं होती। उसको क्या करते हैं, सल्फर के ऊपर से पास करवाते हैं। सल्फर भी क्या करती है, एडजॉर्ब करने का काम करती है। या फिर एनिमल चारकोल के ऊपर से उसको क्या करते हैं, पास करवाते हैं। जैसे उसको एनिमल चारकोल के ऊपर से पास करवाते हैं, तो क्या होता है, जो ब्राउन कलर की जो शुगर है वो कैसी हो जाती है, एकदम कलरलेस हो जाती है। जो भी इम्प्योरिटीज होती है शुगर में, वो एनिमल चारकोल क्या करता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, वो एड्जॉर्प्शन होता है इसमें। क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। यस, तो अब हम इसमें दोनों में डिस्टिंग्विश पढ़ लेते हैं, डिस्टिंग्विशन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये देखो बहुत ही सिंपल, फिर एक और बता देगा, देखो वाटर वेपर से जो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुई, तो ये एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का, और दूसरा एग्जांपल बताया एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसके अंदर तक वो क्या होंगे, होमोजेनियसली स्प्रेड रहेंगे, पीस ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड को वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान देना है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, जबकि सिलिका जेल होती है वो क्या करती है, सरफेस के ऊपर ही पार्टिकल्स इसमें रहते हैं, अंदर तक एंटर नहीं करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें बताओ बच्चों, एड्जॉर्बेंट क्या है और एड्जॉर्बेट के कौन सा है। तो इसमें ये जो गैसेस है या वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स किसका काम करेंगे, एडजॉर्ब बेड का काम करेंगे। और ये जो सिलिका जेल है वो किसकी तरह काम करेगी, एडजॉर्ब सन एडजॉर्ब
बेंड का काम करेगी, ये एडजोर बेंड का काम करेगी, सिलिका जेल और जो वाटर वेपर से वो इसका काम करेंगे, एडजोर बेट का काम करेंगे। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोई भी एडजोर बेट नहीं होगा, एडजोर बेंड नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन में कोई भी एब्जोर बेंड और एडजोर्बेंशन की वाली कोई कंडीशन नहीं होती। इसमें ये क्या होता है, होमोजेनसली मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनसली स्प्रेड होते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। तो अब हम इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल डिफरेंस है। देखो ये एक और डायग्राम बताया, इस डायग्राम से भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये एब्जॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन, और ये एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल। अब अगर किसी कंपाउंड के अंदर या किसी भी कंपाउंड में दोनों चीजें होती है, अगर उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और एडजॉर्प्शन भी होता है, तो इस टर्म को हम बोलेंगे सोर्प्शन। क्या कहेंगे, सोर्प्शन। दोनों हो रहे हैं, देखो इसमें एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स रह रहे हैं और अंदर भी एंटर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोर्प्शन। क्या कहते हैं इसको हम, सोर्प्शन। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो फिनोमेनन इन विच द पार्टिकल और गैस आर लिक्विड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। तो और इसमें हमने बता दिया फिनोमेनन और ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलर और गैस ऑन द सरफेस देन द बल्क ऑफ द सॉलिड देन सेकेंड द कंसेंट्रेशन इज द सेम। तो एडजॉर्प्शन के अंदर कंसेंट्रेशन सेम रहती है और एडजॉर्प्शन में कंसेंट्रेशन कहाँ रहती है, सिर्फ सरफेस के ऊपर रहती है। एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, सर अकर्स एट द यूनिफॉर्म रेट से ये स्प्रेड होते हैं और इसमें सिर्फ रैपिड में होते हैं और बिगिनिंग में सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद में स्लोली स्लोली उसकी क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी। जबकि एडजॉर्प्शन है ना, ये यूनिफॉर्मली इस एब्जॉर्प्शन इसमें चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है ये, जब तक कि वो पूरा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक ये काम, जब तक कि सेचुरेशन की कंडीशन नहीं आती तब तक ये एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू चलता रहता है। और जो एडजॉर्प्शन है क्या होता है, बिगनिंग में तो फास्ट होता है, उसके बाद में स्लोली स्लोली क्या होती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने का रीजन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर स्टिक होते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर नए मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे कोई स्पेस नहीं मिलती, फिर सरफेस पे स्टिक लगने की उनको कोई स्पेस नहीं मिलती, तो धीरे धीरे जो एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, ये देखो ये एडजोरबेंट है, ये एडजोरबेंट जिसके ऊपर ये सर एडजोरबेंट क्या आ रहा है, एडजोरबेट, और दोनों को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। देखो ये जब सरफेस पूरी तरह से फिल हो जाएगी इनसे एडजोरबेंट से, तो फिर क्या होगा, नए पार्टिकल को लगने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी, तो इसकी स्पीड बिगनिंग में तो फास्ट होती है, बिगनिंग में तो फास्ट रेट से होता है, उसके बाद में स्लोली स्लोली इसकी स्पीड डिक्रीज होती रहती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि सेचुरेशन की स्टेट आ जाती है। तो ये देखो दोनों में डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्बेंट में। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से अब समझ चुके होंगे। यस, तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन तो है नहीं, अब देखो ये रीजन क्या है एब्जॉर्प्शन का, व्हाट इज द रीजन ऑफ द एडजॉर्प्शन, रीजन ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये सरफेस फिनोमेनन है और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की वजह से होता है। जैसे हम अगर लिक्विड की बात करते हैं या सॉलिड की बात करते हैं, ये सपोज ये सॉलिड है या लिक्विड है, जैसे ये हमने इसमें मान लिया ये लिक्विड है, जैसे ये कंटेनर में ले लेता हूँ, जैसे ये कंटेनर लिया मैंने, तो ये सरफेस के ऊपर ही गैसेस के पार्टिकल जो होंगे क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। सपोज यहाँ पे एक कोई पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ इस सरफेस पे है, तो जो अंदर की साइड में पार्टिकल है उसमें क्या हो रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बैलेंस फोर्स लगता है। जो पार्टिकल अंदर की साइड में होता है उसके ऊपर क्या होता है, चारों तरफ से नेट फोर्स लगता है, वो बैलेंस पोजिशन में लगता है। अब जो पार्टिकल्स जो सरफेस के ऊपर है उसमें देखो डाउनवर्ड तो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर की साइड से कोई भी फोर्स नहीं लगता, इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल से जो सरफेस के ऊपर है ये क्या फील करता है, एक अनबैलेंस फोर्स को फील करता है। अब इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये जो सरफेस है ना, ये क्या चाहती है, कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, पार्टिकल्स को क्या करना चाहती है, अट्रैक्ट करना चाहती है, ताकि अगर इसके ऊपर भी कोई पार्टिकल आकर स्टिक हो जाएंगे, लग जाएंगे, तो वो भी क्या करेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
शो करेंगे ताकि ये फोर्स जो है क्या हो जाए कि आपस में बैलेंस हो जाए। तो इस वजह से एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन होता है। बात समझ में आ गई? जो भी पार्टिकल या जो भी पार्टिकल सॉलिड में या लिक्विड के अंदर इनसाइड होते हैं उनमें चारों तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो पार्टिकल है या ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, बैलेंस बैलेंस फॉर्म में होता है। अब जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है उसमें डाउनवर्ड साइड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है लेकिन अपवर्ड साइड में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। इस वजह से एक ये अनबैलेंस फोर्स को क्या करती है, फील करती है, अनबैलेंस फोर्स को। इस वजह से ये दूसरे पार्टिकल को इनवाइट करनी करती है अपने पार्ट अपनी सरफेस के ऊपर लगने के लिए। अगर कोई भी पार्टिकल इसकी सरफेस के ऊपर लगेंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे अप साइड में, तो ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस पार्टिकल की इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन होता है। एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्म स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ये सरफेस का फिनोमिनन होता है, एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन होता है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। अब ये जो एडजॉर्प्शन होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। जबकि जो एडजॉर्प्शन है ना बच्चों, अभी हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन भी देखा था, एडजॉर्प्शन जो बल्क फिनोमेनन है ये, इसके अंदर ना तो हीट रिलीज होती है ना हीट एब्जॉर्ब होती है। नाइदर हीट इज रिलीज नॉर एब्जॉर्ब इन एडजॉर्प्शन, वाइल इन एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए बच्चों, इस प्रोसेस के लिए, एडजॉर्प्शन के लिए। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल।